के कहने का साफ तौर पे मतलब है कि जितना भी पूरे मंदिर है भारत में उसको तोड़ देना चाहिए और पुजारियों को जेल भेज देना चाहिए। बिहार का भविष्य बदलने वाले बाबा जो आ रहे हैं, पहले अपना भविष्य तो बना ले। जो बाबा हैं उन बाबा को 100-150 सिक्योरिटी गार्ड की क्यों आवश्यकता पड़ती है? आने के लिए 2-2 करोड़ के गाड़ी में कहाँ से चढ़ते हैं, कहाँ से आता है पैसा? इतना मेकअप करने का उनको क्या जरूरत है? इस तरह का गेटअप बनाने का क्या जरूरत है? मीडिया, लाइट, साउंड, एक्शन, ये बाबा। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स मिलाएंगे जो समाज सेवी हैं, जिनका नाम है इंजीनियर हेमंत जी। इनसे बात करेंगे उसी मुद्दे पे जो कि पूरा बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि 13 मई को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, एक तरफ जो राजनीतिक गलियारों में पूरा हलचल मचा हुआ है, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, आप कितना सहमत हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बिहार में जी। उनका मौलिक अधिकार है, संविधान हमें बताता है कोई भी आकर अपना कहीं भी प्रवचन कर सकते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री आ किस ले रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। उनके आने के पीछे का मकसद क्या है, वो क्यों बिहार आ रहे हैं और इतना हंगामा करके भोकाल बना के क्यों आ रहे हैं जी। तो ये आप बताइए कि क्यों आ रहे हैं, आप ही बताइए क्यों आ रहे हैं बिहार। बिहार का भविष्य बदलने के लिए, बिहार का लोगों को समस्याओं को समाधान करने के लिए, पर्चा खोलने के लिए, हनुमान कथा के लिए आ रहे हैं। बिहार का भविष्य बदलने वाले बाबा जो आ रहे हैं, पहले अपना भविष्य तो बना ले। भविष्य उनका क्या है उनको पता है? उनका तो भविष्य बना हुआ है ऑलरेडी। कहाँ बना हुआ है? वो ये गांधी मैदान में आना चाहते थे, बिहार में अपना बड़ा प्रोग्राम करना चाहते थे। आज उनको गांधी मैदान नहीं मिला, 13 तक भी वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे उनका भविष्य उनको खुद पता नहीं है। तो ऐसे बाबाओं का आज आवश्यकता है? ये बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, सम्राट अशोक का धरती है, यहाँ लोग ज्ञान की भूमि इसको कहा जाता है, यहाँ पे आप किस तरह का ज्ञान बांटने आ रहे हैं? सर ऐसा कहा जा रहा है कि अब गांधी मैदान में आने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में इतने लोग हो जाते कि यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल था, इसलिए नौबत पूरा आ रहे हैं। आज तक गांधी मैदान इतना बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कभी पूरा भरा कभी रहा है इतिहास गांधी मैदान का कि पूरा गांधी मैदान भर गया? अच्छी बात है, भरते लोग भी देखता है। अब वहाँ लोग अपने मर्जी से आ रहे हैं कि लाया जा रहा है, और हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, आपको ये जगदेव बाबू की भूमि है, ये सब कर्म भूमि रहा है, ऐसी भूमि में वो बाबा आके क्या ज्ञान देंगे? तथागत गौतम बुद्ध कहते थे कि पहले सुनो, समझो, जांचो, परखो और तब उस पर विश्वास करो। हम बोल रहे हैं, हम मतलब कि गौतम बुद्ध भी अगर बोल दिए तो बात सही नहीं है, किताबों में जो लिखा है वो सही नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे वही चीज़ें चल रहा है, लोग प्रैक्टिकल करते हैं एग्जाम में। आखिर आपको समस्या क्यों है जब यहाँ पे लोग उनके पक्ष में है, बुला रहे हैं, सुनने वालों को प्रॉब्लम नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? आप क्या चाहते हैं कि बिहार नहीं आए? नहीं, हम वो नहीं कर रहे, वो आए। समस्या क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? हम एक आम इंसान है, हम मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा बाइक लेके जा रहा है और उसका स्टैंड गिरा हुआ है तो क्या आप नहीं बोलती हैं कि स्टैंड उठा लो? कोई मोबाइल पे बात करते जा रहा है, सामने गड्ढा है, आप उसको नहीं रोकिएगा? हमारे बिहार की जनता भोली भाली है, उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा भविष्य गड्ढे में जा रहा है। ऐसे ऐसे साफ तौर पे करने की वो बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रहे हैं। एकदम ऐसे कहा जान रहे हैं? आप पर्चा खोलवाने नहीं जाइएगा? बाबा अगर पर्चा खोल के बता दे तो मेरा एक सवाल है, वो बता देना कि 25 साल की उम्र में बिना पढ़े लिखे, बिना कोई काम क्रिया किए हुए वो करोड़ों संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, ये बता दें। बाबा अगर हैं और पर्चा खोलना है तो ऐसा पर्चा खोले कि गरीब आदमी को 2 दिन एक टैबलेट खा ले तो भूख ना लगे, बीमारी का इलाज करा दे, कोरोना भगा दे। कोई बाबा इस दुनिया में नहीं होता। तो आपके कहने का साफ तौर पर मतलब है कि जितना भी पूरे मंदिर है भारत में उसको तोड़ देना चाहिए और पुजारियों को जेल भेज देना चाहिए? मंदिर में क्या होता है ये बताइए, जो आपके भगवान है, देवी देवता हैं या मौलाना के हैं, मस्जिद में है, दो तीन महीने के लिए जो कोरोना का टाइम था सभी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में ताला लग गया, क्या भगवान में इतना पावर रहता है तो ताला लगने की जरूरत थी? आप सोचिए ना, अगर इतना ही भगवान हमारा सब कुछ कर देते, हम मंदिर में जाके बैठ जाएं, बीमार हो तो हम अस्पताल नहीं जाए, मंदिर में जाके वहाँ पर इलाज कराए। बच्चे जब आपके घर में पैदा होते हैं आप उसको मंदिर में भेजिए सरस्वती। अच्छा, जी बड़े पैमाने पे लोग जाएंगे उनके पास, कहा जा रहा है कि ऐसा मतलब कभी नहीं आज तक, मतलब पूरा इतिहास रचेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? और आप एकदम क्या समस्या है आपको उनसे? मैडम हमको कोई समस्या नहीं, हम तो कर रहे हैं, वो आए ज्ञान की बात बताए।
ऐसा कुछ बताया जिससे इस देश का बिहार का बेरोजगारी दूर हो जी। गरीब लोग का रोजगार मिले, ऐसे कुछ चर्चा करें, हम उनका स्वागत करते हैं। बाबा आ रहे हैं केवल एक मकसद तो के लिए। आप भी घेरने का काम करेंगे? नहीं नहीं, हम घेर नहीं रहे, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो बाबा हैं उन बाबा को 100-150 सिक्योरिटी गार्ड की क्यों आवश्यकता पड़ती है आने के लिए? 2-2 करोड़ के गाड़ी में कहाँ से चढ़ते हैं, कहाँ से आता है पैसा? इतना मेकअप करने का उनको क्या जरूरत है? इस तरह का गेटअप बनाने का क्या जरूरत है? मीडिया, लाइट, साउंड, एक्शन, ये बाबा हैं, बाबा हुआ करते थे, बाबा की भूमि है, ऋषि साफ तौर पे कहे ना, क्या तो आप नेता मान रहे हैं उनको? बाबा नेता भी नहीं है, पाखंड है। और इसके पीछे किसी एक एजेंसी का है जो छुपा हुआ एजेंडा है। अच्छा, अच्छा। वो चाहते हैं कि लोग जो है इसी में पिसा रहे। अच्छा। वो जाके पूजा पाठ करते रहे, दान दक्षिणा करते रहे, उसको जो उसका मूलभूत समस्या है उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाए। अच्छा सर, लास्ट मेरा सवाल रहेगा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पे तो हम लोग बहुत बात कर लिए, अब मेरा लास्ट सवाल है कि मनीष भूषण पे यौन शोषण का आरोप लगा और इसको लेकर एटम भी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसान भी बैरिकेडिंग तोड़ दिए थे, अल्टीमेटम दिए थे कि 15 दिन में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो इसके और ज़ोरदार आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? यही तो रोना है। आप जो पूछ रहे ना कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे यही फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ मीडिया का भी ज़रूरत है उनका उजागर करने का। अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है, भारत में संविधान में आधी आबादी का दर्जा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन वही बेटियों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी से, किसी खास पार्टी के नेता से, तो फिर वो बेटियों को लोग उसी पे उंगली उठाने लगते हैं। आप एक बार जाँच कमेटी है, जब आपसे पूछा जाता है कि ईडी आपने क्यों भेज दिया, सीबीआई क्यों भेज दिया, तो कहते हैं उनका काम है, जाँच कर रहे हैं। महिला ने अगर कंप्लेन किया है, भले वो मान लेते हैं कि नहीं है, कुछ काम नहीं किया, तो जांच से क्यों डर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, रात रात भर रुकना पड़ रहा है, रोड पे आके रहना पड़ रहा है, तो सरकार का ध्यान कहाँ है? तो क्या आपको, आपके अनुसार क्या वो जो बृजभूषण है उनका गिरफ्तारी होनी चाहिए जब यौन शोषण का आरोप है? मैम, केवल आरोप लगाने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है, मतलब जाँच का विषय है। हाँ, जाँच होना चाहिए। आप हम पे आरोप लगाइए, हम आप पे आरोप लगाए, तो जाँच तो होना ही चाहिए ना, जांच होना चाहिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि उस पर जाँच बैठे जी। और जो ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, आप सोचिए कि जो आम महिला है कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। कहाँ, आप एग्जांपल ले लीजिए ना, तो आप हसरत का ले लीजिए, आप उसका बहुत से ऐसा कांड हुआ है, निर्भया कांड हुआ है, यही है रीजन, ऐसे लोग को बढ़ावा मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ समाज सेवी इंजीनियर हेमंत जी थे, जिनसे हम बात किए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सच में वो बाबा है तो बिहार का भविष्य बताए, बिहार में इतना बेरोजगारी चल रही है, और अन्य मुद्दों पे बात किए। इनके प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।